हेलो दोस्तों, ब्लॉग्स गुरु पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपना वेबसाइट को फेसबुक से मोनेटाइज कर सकते हो, वो भी जस्ट कुछ ही पल में। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आप अपना वेबसाइट को फेसबुक से मोनेटाइज करने के लिए आपको तीनों वेबसाइट खोलना होगा। पहले का है फेसबुक, दूसरा है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क और तीसरा है फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स। तो दोस्तों, फेसबुक पहले आप खोल लीजिए। इस पे आपको पहले एक पेज बनाना होगा। तो पेज कैसे आप बनाएंगे? तो पेज बनाने के लिए आपको सीधे ऊपर जाना होगा, आपको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और पेज का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद पेज का ऑप्शन पे आपको खुल जाएगा। दोस्तों, आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए आपको फेसबुक पे पहले एक पेज बनाना होगा। दूसरा जो वेबसाइट होते हैं, जो एड्स नेटवर्क होते हैं, उस पे आपको पेज बनाना नहीं होता है। बस फेसबुक सोशल मीडिया साइट है, इसलिए इस पे आपको पहले एक पेज को क्रिएट करना होगा। तो मेरा पहला पेज है ये। इस पेज पर मैं इंस्टेंट आर्टिकल्स को ऑन करूँगा, इस मतलब है मैं इस पर मोनेटाइज करूँगा। तो मोनेटाइज करने के लिए कैसा रूल्स होता है मैं दिखाता हूँ। पहले इस आप पेज एक बना लीजिए। इस पर अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। इस पर आप देख सकते हो साइड में जो ऑडियंस नेटवर्क होते हैं वो सिंबल इस पर नहीं आए हैं। तो इसको लाने के लिए आपको ऑडियंस नेटवर्क पे साइन अप करना होगा। तो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क इस पर पहले आप क्लिक करिए। तो क्लिक करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा। ये फेसबुक का ही एक वेबसाइट है, वो उन्होंने बनाया है। तो इस पे पहले आपको साइन अप करना होगा। तो स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे। इसका एलिजिबिलिटी है, आपको एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए तभी आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए और आप इस पे साइन अप हो जाइए। दोस्तों, देख सकते हो इस पे अभी तक ये ब्लैंक है क्योंकि मैंने इस पे अकाउंट नहीं बनाया है। तो इसके लिए आपको एक फेसबुक बिजनेस पेज बनाना होगा। बिजनेस पेज बनाना बहुत ही इजी है। तो आप इस पे जस्ट क्लिक करेंगे और साइन अप हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है इसलिए, क्योंकि मैं इस पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस पे आपको क्रिएट ए प्रॉपर्टी इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करिए, अपने वेबसाइट को इस पे ऐड करना होगा। देख सकते हो व्हाट्स द नेम ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो आपका ब्लॉग का नाम दे सकते हो। बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हो इस पे सिलेक्ट करने को बोल रहा है iOS, Android, वेब और इंस्टेंट आर्टिकल्स। तो आपको क्लिक करना होगा इंस्टेंट आर्टिकल्स इस पे। इस पे आपको बेसिक ये चीज़ फुलफिल करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको इंस्टेंट आर्टिकल्स इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरा वेबसाइट खुल जाएगा। तो इंस्टेंट आर्टिकल्स खुल रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, देख लेता हूँ उसके बाद क्या करना है। तो इस पे आपको साइन अप करना है और स्टार्ट पब्लिशिंग यूजिंग इंस्टेंट आर्टिकल्स। तो इस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स साइन अप। इस पे क्लिक करिए, चूज योर पेज फॉर इंस्टेंट आर्टिकल्स। आपको उस पेज को चूज़ करना होगा और इस पे आपको मोनेटाइजेशन का एलिजिबिलिटी आप इस पे चेक कर सकते हो। पहले आपको अप्लाई करना है। कैसे देख सकते हो नीचे आपका जितना पेज है उस पेज को आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। तो इस पेज में मैं मेरा वेबसाइट को जोड़ना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करिए और ये टिक को ओपन करिए। देख सकते हो इसको आपको टिक करना है और एक्सेस इंस्टेंट आर्टिकल्स इस पे आप क्लिक करिए। तो इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए एलिजिबिलिटी हो गया है। तो यू नाउ हैव एक्सेस टू पब्लिशिंग टूल्स फॉर इंस्टेंट आर्टिकल्स। तो इसके लिए एलिजिबल है। तो इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप आसानी से टूल को एक्सेस कर सकते हो। देख सकते हो साइड में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स टूल आ गया है। इस पे आप देख सकते हो, इस पे ब्रांडेड कंटेंट,
इंस्टेंट आर्टिकल्स रो ऑटोमेटिकली आ गया है, इस पे इंस्टेंट आर्टिकल्स को कॉन्फिगर करने को बोल रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो देख सकते हो दोस्तों, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, आपको 10 आर्टिकल्स चाहिए ही चाहिए। तो ये 10 आर्टिकल्स को पहले आपको देना होगा, आपके वेबसाइट में पहले से ही पोस्ट होना चाहिए। तो मेरा ये वेबसाइट है, मैं ब्लॉगर से आपको दिखाता हूँ, आप वर्डप्रेस पे भी इसको कर सकते हो। तो इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट फॉर रिव्यू, 30 डेज के अंदर आपको रिव्यू का रिजल्ट मिल जाएगा जो फेसबुक चेक करेगा, उसके बाद आपको अप्रूवल कर देगा। जैसे एडसेंस अकाउंट होते हैं, एडसेंस पे भी सेम चीज़ होता है। तो आपको पहले कनेक्ट योर साइट, इस पे क्लिक करना होगा, आपको एक यूनिक कोड दिया जाएगा, तो इसको आपको कॉपी करना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। और आपका पेज, आप ब्लॉगर पे हो तो ये जो थीम का ऑप्शन है इस पे क्लिक करिए, देख सकते हो थीम, इस पे क्लिक करिए, और ये जो एडिट HTML है इस पे क्लिक करिए। आपको इस ये जो कोड है इसको HTML सेक्शन पे हेडर के नीचे बैठाना होगा, तो इस पे साफ साफ लिखा है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो हेड है, हेड के नीचे आपको देना होगा, एक एंटर दबाइए, उसके बाद इसको पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद सेव पे क्लिक करिए। ये जो कोड है सही तरीके से बैठ गया है इस पे। आप आपको क्या करना है, नीचे है वेबसाइट का URL, आपको इस पे वेबसाइट का URL को देना है। तो आप ब्लॉग को खोल लीजिए, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और कॉपी करके अपने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और ये जो आगे है HTTPS, ये पहले से ही इस पे HTTP है, तो आपको इसको हटाना है, इसको हटाना है। उसके बाद सबमिट URL, इस पे क्लिक करिए। तो उसके नीचे आपको क्या करना है देख लीजिए, ये जो ऑडियंस नेटवर्क है इस पे क्लिक करना होगा, एक चेक बॉक्स आपके सामने दिखाई देगा, उसको आप एक्सेस करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो मोनिटाइज करने के लिए रिव्यू हो जाएगा। तो फेसबुक का टीम आपको जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू करेगा और आपको अप्रूव के लिए, आप एलिजिबल है तो अप्रूव कर देगा। तो मेरा एलिजिबल है तो इसलिए ये दिखा रहा है, और आपके सामने योर डैशबोर्ड ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर डैशबोर्ड ये ऑप्शन आ गया है, आपके एलिजिबल है तो आपके सामने भी ऐसा दिखेगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर देख सकते हो चूज़ योर बिजनेस मैनेजर अकाउंट, तो आप सिलेक्ट इस पे ही करेंगे। पहले क्रिएट आपको ऑटोमेटिकली उस टाइम पे हो गया था तो इसलिए दिखा रहा है। और क्रिएट ए प्रॉपर्टी नेम, ऐड योर इंस्टेंट आर्टिकल्स पेज, तो आपको इसको चूज करना होगा और इसको सिलेक्ट करना होगा। तो पहले मैं ब्लॉग्स गुरु दिया था तो इसलिए ये दिखा रहा है, गो टू मोनिटाइजेशन मैनेजर। तो इस पे आप देख रहे हो ये इंस्टेंट आर्टिकल के लिए रिव्यू में अभी चला गया है। तो इस पे आप स्टैट्स पे क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस पे आपकी कितना अर्निंग हो रहा है, कितना CPM जा रहा है, ये सारे आपके सामने दिखाई देगा। तो होम पे क्लिक करिए और उसके नीचे है पे आउट। हाँ, और एक चीज़ है, आपको पे आउट को सिलेक्ट करना होगा, यानी आपका जो भी अर्निंग होगा कहाँ पे जाएगा उसको आपको सेटअप करना होगा। ऐड पेमेंट एक्सेस पे क्लिक करेंगे, पहले आपको ये जो सेटिंग ऑप्शन है इस पे जाएंगे, पे आउट पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ऐड पेमेंट अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। और आपकी कंट्री के हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए, मैं इंडिया से हूँ तो इसलिए इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ। इंडिया को सिलेक्ट करिए, बिजनेस टाइप आप इंडिविजुअल करिए और आपके जो लीगल नेम है उसको फिल करिए। और हाँ, और एक चीज़ आपको देना होगा, वो है पैन कार्ड का ID, आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है, नहीं तो आप इस पे पेआउट का सेटअप नहीं कर पाएंगे, और सेटअप नहीं होगा तो आप इस पे पेआउट नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये होना ज़रूरी है। कंट्री को इस पे फिर से सिलेक्ट करिए, सॉरी स्टेट को,
उसके बाद पोस्टल कोड आपका जो भी है आप दे दीजिए, है कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को भी इस पर फिलअप करना होगा। और उसके बाद नीचे है गवर्नमेंट टैक्स आईडी, यानी इस पर आपको पैन कार्ड का आईडी देना होगा, को नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो सेटअप हो गया है, तो आप स्विफ्ट नंबर, दोस्तों देख रहे हो जो स्विफ्ट नंबर, ये जो नंबर है इसको आपको इंटरनेट पे सर्च करना होगा, आपका जिस बैंक पे है वो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। मेरा एसबीआई का है, तो एसबीआई लिख के मैं गूगल में सर्च करूँगा तो एसबीआई का ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। तो आप अपने ऑफिशियल साइट पे आ जाइए, तो आप एसबीआई का ये है, तो इस पे एसबीआई कॉर्पोरेट कोड्स, इस पे क्लिक करेंगे तो एसबीआई का जो भी साइट है उस पे आपको आपका ब्रांच की हिसाब से ये जो स्विफ्ट कोड है वो मिल जाएगा। तो वो देने के बाद लिंक बैंक पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको सारे डिटेल्स ठीक से चेक कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा और रिव्यू के लिए चला जाएगा। इस वेबसाइट को मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये SBI के लिए है, आपके दूसरा बैंक है तो आप अपने बैंक का ऑफिशियल साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं स्विफ्ट कोड, आपकी एरिया के हिसाब से ये स्विफ्ट कोड चला आ जाएगा। तो देख सकते हो बहुत सारे जगह है, तो आपको इसको चेक कर लेना है कहाँ ब्रांच पे आपका है, तो चेक करके आपको यहाँ पे बैठाना होगा। तो देख सकते हो यू आर ऑलरेडी और डन पे क्लिक करना है, आपका पेमेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप पूरी अकाउंट को सेट कर सकते हैं, पेमेंट सेटिंग को करने के बाद आपका अर्निंग होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये दे देगा फेसबुक आपको, और चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, गुड बाय। I'm not afraid to die.